नमस्कार भाइयों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे प्रशांत लाइव पे। और ये देखिए, पराली ना जलाने की का नतीजा, जो किसान पराली जला देते हैं वो एकदम आराम से खेत को बना लेते हैं, जो पराली नहीं जलाता है वो पराली को उसी में नष्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ ये दुर्गति हो जाती है। देखिए, ये पराली नष्ट होने का नाम नहीं ले रहा है, ट्रैक्टर का पूरा दुर्गति हो गया है। अब ये पराली नष्ट तभी होगा जब इसमें एक बार पानी भरा जाए, तभी ये पराली सड़ेगी। अब इसमें एक बार पानी भरना पड़ेगा पूरे खेत में, तभी ये पराली सड़ेगी, वरना देखिए क्या दुर्गति हो रखी है। इसमें दो बार हैरो निकल चुका है और एक बार ये 9-10 वाला कल्टीवेटर चल रहा है। और जो लोग कहते हैं कि यार जो किसान वगैरह हैं ये पराली जला देते हैं, धुआं होता है, तो क्या करें, उनकी भी मजबूरियाँ हैं। अब देखिए किस कदर एकदम दुर्गति हो रखी है, अब भला किसान क्या करे। वैसे भी हमने पराली नहीं जलाया है और हमने इसी में दबा दिया है, लेकिन ये पराली कहाँ दबने वाला है। जब वो हरी रहती है धान की फसल, तब पराली कट जाती है। एक बार धान की फसल सूख गई तो ये परालियों को दफनाना, इनको काटना मुश्किल हो जाता है। देखिए, पराली के चक्कर में एक्स्ट्रा खर्चे पड़ रहे हैं, ये सब फालतू ही खर्च हो गए हैं। दो बार तीन बार इसको इसकी जुताई करनी पड़ रही है। जहाँ पराली कम थी वहाँ पे, जहाँ पे जैसे जहाँ पे कंबाइन ने वो पराली नहीं फेंका था, वहाँ पे आराम से कल्टीवेटर लग जा रहा है। इस बार कंबाइन वालों ने भी यार कुछ वो हदी कर दी कि इस बार उन्होंने मल्चर लगाया ही नहीं। सिर्फ मल्चर सिर्फ एक ही बार चला था, जब गवर्नमेंट का वो था कि हाँ कड़ा शासन था कि जुर्माना लगते थे कि बिना मल्चर के कंबाइन नहीं चलेंगी, तो सिर्फ एक ही सीजन मल्चर लगा के उन्होंने कंबाइन चलाया था। अब किसान की मजबूरी भी है कि फसल भी कटवाना है और कंबाइन वालों ने मल्चर निकाल दिया है, कंबाइन से मल्चर नहीं है, डायरेक्ट पुआल खेत में पराली फेंक देती है। वैसे जब मल्चर हुआ करता था तो वो जो सारी पुआल थी उसको काट के पूरे खेत में फैला देता था कंबाइन से ही, तो जुताई करने में भी आसानी रहती थी, सब कुछ आराम से निपट जाता था। अब उन्होंने मल्चर निकाल दिया है तो कुछ किसान जो हैं मेरी तरह, ये पराली को इसी में खेत में दबाते हैं, भले ही 3-4 बार जुताई करनी पड़े, एक्स्ट्रा खर्चा हो जा रहा है, लेकिन कुछ किसान पराली को जला दे रहे हैं, वो सबसे आसान समझ रहे हैं। तो हमने पराली को नहीं जलाया है और देखिए कहीं खेत में भी हमने पराली नहीं जलाया, बस एक दो जगह जहाँ ज़्यादा हो गई थी वहाँ पर जलाना पड़ा, बस एक दो जगह बस, और पूरे खेत में कहीं नहीं जलाया हमने। और कुछ किसान ने आग लगा दिया पराली में और उनका ये काम तुरंत जल्दी में निपट गया, बस एक ही बार कल्टीवेटर उनको निकालना पड़ा। और जिन्होंने पराली नहीं जलाया उनके तो एक्स्ट्रा खर्चे हो ही गए हैं। तो यही सब एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो हो रहे हैं खेती में, और इन्हीं सब की वजह से किसानों को फ़ायदा नहीं हो पाता। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार मल्चर चलवा दो, तो यार भाई मल्चर चलवाने के लिए दोस्तों कम से कम इसमें 55 से 60 HP का ट्रैक्टर चाहिए, और वो भी फिर बजट होगा 8.5 से 9 लाख रुपए उसका ट्रैक्टर का खर्चा है। फिर अगर मल्चर लिया जाए तो 1.5 लाख रुपए मल्चर का खर्चा पड़ेगा, और अगर किराए पे मल्चर लेके आ जाए तो यहाँ पे किसी के पास मल्चर नहीं है, ना ही कोई इतना सामर्थ्य है कि मल्चर खरीद सके। और अगर जिसके पास ट्रैक्टर भी है बड़ा वाला, वो भी मल्चर नहीं खरीद सकता। 1.5 लाख रुपए फंसाना मतलब वो भी मल्चर कभी कभी चलता है, हमेशा नहीं चलता, साल में बस एक बार काम लगता है मल्चर का, तो कोई मल्चर खरीदना नहीं चाहता है, बस इसी तरह किसी तरह टेम्प्रोरी काम निकाल देते हैं। अब इतना पैसा कौन लगा पाएगा, खेती में कुछ बचता भी नहीं है कि आदमी 8 से 9 लाख का ट्रैक्टर ले 4x4, उसके बाद मल्चर ले 1.5 लाख रुपये का मल्चर, लगभग मिनिमम मैं बता रहा हूँ 1.5 लाख रुपए का मल्चर हो जाएगा। उसके बाद मल्चर के बाद यार प्लाऊ लेना पड़ेगा, एमबी प्लाऊ, वो भी 1.5 लाख रुपए का हो जाएगा। मतलब छोटा मोटा अगर किसान है तो वो खरीद नहीं सकता यार, 15 लाख रुपए का टोटल फार्मिंग इक्विपमेंट्स हो जाएगा, जितना भी ये औजार साधन लेने होंगे 15 लाख रुपए रख के चलो, तो 15 लाख रुपए किसान कहां से जुटा पाएगा। तो ये छोटे मोटे जो उपकरण है उसी से हमें काम चलाने पड़ते हैं। तो भाइयों देखो, और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचना नहीं चाहता, अभी जिसमें जो जब रोटावेटर चलेगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा।
रोटावेटर वाली वीडियो मैं कुछ दिन बाद बनाऊंगा जब इसमें रोटावेटर चलेगा। हालांकि अपने पास रोटावेटर है नहीं, वो भी 1.25 लाख का आइटम है, वो भी बजट नहीं है ख़रीदने का, तो वो हम भाड़े से लेके आएंगे, जो भी भाड़ा होगा वो दे देंगे, भाड़े से करवा लेंगे। अब 2 दिन बाद इसमें रोटावेटर चलाएंगे तब आपको दिखाएंगे। अब रोटावेटर का अलग खर्चा होगा, तो यही सब है। खर्चे बहुत हैं खेती में, बचत कुछ भी नहीं है। जो लोग सोचते हैं शहरों में या फिर बड़े बड़े कस्बों में रहते हैं कि यार हाँ इतने सस्ते में गेहूं अनाज खरीद लें, तो ऐसा मुश्किल नहीं है भाइयों। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, अगर वीडियो लंबा हो जाता है यहाँ तो अपलोड होने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पर नेट 2G की स्पीड से चलता है, 3G तो छोड़ो, 5G आ गया, 5G तो छोड़ो, 4G 3G नहीं चलता है, 2G की स्पीड से नेट चलता है। अपलोड करने में बड़ी दिक्कत आती है, यहाँ तक कि शॉर्ट्स वीडियो नहीं अपलोड हो पाते, तो ये लॉन्ग वीडियो क्या ही अपलोड होगा। तो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को ये एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा जब इसमें रोटावेटर चलेगा, देखना उसमें उसकी कितनी दुर्गति होगी। अब ये रोटावेटर वाली वीडियो 2 दिन बाद बन जाएगी, लेकिन कब अपलोड होगी ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यार यहाँ पे नेट एकदम ख़राब चलता है, वीडियो अपलोड करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वीडियो को कहते हैं एंड। अगर ये फार्मिंग की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।